रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तमाम अहले वतन और बिलखुसूस अहले शहर कदरी को कल आने वाली ईदुल अज़हा की मुबारकबाद। जमात इस्लामी हिंद कदरी की तरफ से पेश की जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कल के बाबरकत दिन को हम तमाम के लिए फजीलत वाला, रहमत वाला और बरकत वाला दिन बनाए, आमीन। जमात इस्लामी हिंद के तरफ से कुछ गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश ये है अहले ईमान और अहले इस्लाम से कि वो पूरे अज़मत के साथ और जज्बे इब्राहिमी के साथ और पूरे हनीफियत के साथ, यानी एक सुई सिर्फ अल्लाह की रज़ा जिसमें शामिल हो, कल के हर अमल को अंजाम दें। चाहे वो फजर की नमाज हो, ईदुल अज़हा की नमाज हो और ईदुल अज़हा की नमाज के बाद अदा की जाने वाली क़ुरबानी का अमल क्यों ना हो। दूसरी बात यह है कि जानवर जो भी क़ुरबानी में पेश किया जा रहा है वो वही जानवर हो जिसकी इजाज़त हमारा ये क़ानून देता है। जो ममनुआ जानवर हैं उन जानवरों से पूरा परहेज़ किया जाए। तीसरी बात और तीसरी गुजारिश यही है कि क़ुरबानी पेश होने के बाद, क़ुरबानी करने के बाद उसके जितने भी फजलात हैं, अगर घर में क़ुरबानी होती हो या कहीं इज्तिमाई क़ुरबानी की जा रही हो, ये ज़िम्मेदारी के साथ ये काम करना होगा कि उसके पूरे गंदगियां, फजलात एक जगह जमा होंगे और मुकामी म्यूनसपाल्टी के निज़ाम के तहत में, इंतज़ाम में जो सहूलत फराहम की गई है म्यूनसपाल्टी के हवाले किया जाए, गलियों में, बाज़ारों में, नालों में या आबादी बसने वाले इलाक़ों में चुपके से ले जाकर फेंक देना और ये समझ लेना कि कोई नहीं देख रहा है। इस तरह की हिमाकतें, इस तरह की गलतियां हरगिज़ ना किया जाए, इसलिए कि मुल्क जहां हम 20 करोड़ के करीब, 30 करोड़ के करीब रहते हैं, हमारे बरादरान वतन भी हमारे साथ एक बड़ी तादाद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके सामने हमें इस्लामी अखलाक और दीन के शाइर को हूबहू पेश करने की हर आन हर लम्हा ज़रूरत है। चौथी बात यह है ईदगाह को वक्त पर पहुंचना है। 8 बजे जमात तय की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि 8 बजे पहुंचना है, बल्कि ये है कि 8 बजे से पहले ईदगाह पहुंच जाना है। पहुंचते वक्त घर से वज़ू करके निकलेंगे, जो मुनासिब बेहतर कपड़ा है उसे पहनेंगे, खुशबू लगाएंगे, तकबीरात के साथ एक रास्ते से जाएंगे और वापसी में दूसरा रास्ता अख्तियार कर फिर वही तकबीरात के साथ घरों को वापस होंगे। किसी किस्म की फजूलियात, चाहे वो ज़बानी हो या निगाहों के हो या कान के हो या हाथ पैर के हो, सरजद ना हो, इसका पूरा एहतमाम करना ज़रूरी है। ईदगाह में बैठने के बाद भी तकबीरात के साथ ज़बान पर तकबीरात जारी हो। अगर तकबीरात नहीं है ज़बान पर, अल्लाह का ज़िक्र नहीं है, तो शैतान फौरन हमला करता है, गीबत और फलां ईरान तुरान की बात आ जाती है, जिससे नुकसान ही है, नफ़े का सवाल ही नहीं। लिहाजा
फिर एक मर्तबा मैं तमाम अहले वतन को और इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर शहर कदरी के अहले इस्लाम को और बरादराने वतन को भी ईदुल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हुए जमात इस्लामी हिंद कदरी के तरफ से की गई गुजारिशात को ज़रूर मद्देनज़र रखने की गुजारिश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को जज्बे इब्राहिमी के साथ जीने की तौफीक नसीब फरमाए, इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी जज्बे क़ुरबानी को अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए और हज़रत हाजरा जैसे जज्बात को इस्लामी ख़वातीन में अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।